एंशियंट इंडिया से लेके मिडाइवल इंडिया तक भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों से बहुत सारे आक्रमण हुए, और यही वजह है कि उस इलाके के लोग सेना में ज्वाइन करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट उदय कुमार हैं, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में SSB में रिकमेंडेशन हासिल किया है। उदय कुमार, क्लास में तो कई बार हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आज PW के इस मंच पे भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। उदय, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो मैं सभी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते थे और कौन सी आर्म्ड फोर्सेस आपकी प्रायोरिटी थी? सर, अगर मैं अपने बचपन से ही देखूँ तो जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है। आर्मी और एयरफोर्स की प्रेजेंस वहाँ पर शुरू से रही है, तो मोटिवेशन तो वहीं से था। और मेरे फादर वो भी आर्मी में रह चुके हैं, मेरे ब्रदर आर्मी में हैं, अभी सर्व कर रहे हैं, और मेरे गांव से मैक्सिमम हर एक जो भी युवा है वो आर्मी में ही है, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स तो शुरू से ही था। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि एयरफोर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहा मैंने, तो मुझे आज भी याद है कि मैं लगभग 7 या 8 साल का रहा हूँगा और मैं बाज़ार जा रहा था अपनी माता जी के साथ, और जब हम गाड़ी में थे तो वहाँ पर आर्मी वालों का एरिया है, तो उससे पहले मैं जब भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह देखता था तो ऐसे छोटे छोटे दिखते थे आसमान में, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैंने पहली बार एक हेलीकॉप्टर को बिल्कुल अपने सामने देखा, तो वो एक काफ़ी मैसमराइजिंग सीन था मेरे लिए। और तब से मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ करनी है। और फिर स्लोली स्लोली जब मैं बड़ा हुआ 10th 12th के बाद, फिर मुझे पता चला, तो आपकी गाइडेंस से अब मैं यहाँ हूँ। अपने व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं कि उदय कुमार जम्मू कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का इलाका काफ़ी डिस्टर्ब्ड इलाका भी रहा है और बहुत ज़्यादा एक्शन वहाँ पे होता रहता है। इसीलिए जैसे कि उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस का प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए उस इलाके के लोगों का मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू प्रथमेश सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो उदय, कांग्रेट्स कि आप फाइनली रिकमेंड हो गए NDE के लिए। आई नो आपने बहुत मेहनत करी होगी उस चीज़ के लिए। उदय, मुझे एक चीज़ लगती है हमेशा कि आप बिलोंग करते कठुआ से, जहाँ पर कई बार सिचुएशंस डेंजर बन जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम यहाँ पर नहीं देखते, बट आपने वहाँ पर ये चीज़ें फील की होगी कि दुश्मन को आपने सामने से महसूस किया होगा। वो कहते हैं ना कि एक आप कोई ड्रोन आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, जो नॉर्मली लोग मूवीज़ के अंदर देखते हैं या कहीं और देखते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कठुआ के अंदर, या ऐसा कभी आपने फील किया कि यस, ये चीज़ जो है, कहते हैं ना सर, कि कुछ नेगेटिव चीज़ भी आपको इंस्पिरेशन देकर आ जाती है कि अगली बार ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो मैं इसको रोकूंगा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? यस एब्सोल्युटली, ऐसा बहुत बार होता रहता है, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है कि एक पाकिस्तान साइड से एक ड्रोन था जो कि हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आया था, और हमारे जो जवान थे, जो JK पुलिस, उन्होंने उसे शॉट डाउन कर लिया था, और वो एक सर्वलांस ड्रोन था। तो तब से एक मोटिवेशन तो रहता ही है कि हमारी टेरिटरी में क्यों आ रहा है, आगे से नहीं आना चाहिए, तो ये एक मोटिवेशन का सोर्स हमेशा रहता है। और बहुत से इंसिडेंट और भी हैं, जैसे कि LOC बहुत पास में है, तो वहाँ पे जो सीज़ फायर है वो होता रहता है, तो बहुत से इनोसेंट पीपल भी इसमें उनकी भी जान कभी कभार चली जाती है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उनकी भी एक रिलेटिव थे, तो उनकी भी अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया था, तो उससे भी एक मोटिवेशन तो होता ही है कि हाँ, इनोसेंट पीपल क्यों मारे जा रहे हैं, तो हमें इसे रोकना चाहिए। तो मुझे ये मोटिवेशन था कि हाँ, मुझे इसमें जाना है और मुझे ये रोकना है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पर्सन को यूनिफॉर्म के अंदर देखते हैं तो आप उस कैरेक्टर को अज्यूम मत कीजिएगा, आप उस कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं होना है, आपको उस चीज़ से इंस्पायर होना है कि उस कैरेक्टर के अंदर जो फीलिंग है, आपको वो चीज़ फील करनी होती है कि एज अ सोल्जर वो क्या फील कर रहे होंगे। और उदय ने भी फील किया कि जिस फैमिली के साथ ये डिमाइज हुआ, उन लोगों ने उस टाइम पर क्या फील किया होगा। उदय, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हर इंसान का लाइफ में कोई इंस्पिरेशन होता है जो उसे मोटिवेट करता है, आई नो आपके भी कोई इंस्पिरेशन होंगे, तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? सर, मेरे इंस्पिरेशन तो अलग सर ही हैं। ओके, और मैं क्लास 10 से उन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ, और मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं स्कूल में था, मुझे लेक्चर समझ नहीं आता था, तो मैंने YouTube पे उनका वीडियो देखा था, तो पहली लाइन उन्होंने जो वीडियो लेक्चर मैंने देखा था, मुझे आज भी याद है कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, तो वो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में छप गई है।
तो अलग सर मेरे शुरू से ही इंस्पिरेशन रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने जो काम करा है वो मुझे नहीं लगता और कोई कर पाता, क्योंकि उन्होंने गांव-गांव तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाई है और उन्होंने काम किया है। क्योंकि अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो मैं कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाऊँगा, तो अलग सर ने बहुत ही बड़ा काम किया है। बिल्कुल, और इसीलिए सर ने डिफेंस वाला को भी इसी विज़न के साथ शुरू किया था कि कहीं पर भी बच्चा हो, उसके पास पैसे हो ना हो, वो चीज़ों को अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, बट जीवन में वो कहीं आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज सर भी ये चीज़ बिलीव करते हैं, हम सभी ये चीज़ मानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो आपको लाइफ में काफ़ी आगे पहुंचा सकता है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तीन तरह के दान मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े होते हैं। एक होता है धन का दान, एक होता है विद्या का दान, और एक होता है जीवन का दान। जीवन का दान तो सैनिक करते हैं, उससे बड़ा दान तो कोई हो नहीं सकता। धन का दान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन विद्या का दान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, धन के दान से भी बड़ा ऊंचा होता है। और इसीलिए जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही बात है। बहरहाल, इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनका असली मकसद ये होता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे, ख़ास तौर पर SSB के अंदर या अपनी रिटन की प्रेपरेशन के दौरान, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, उनके क्या चैलेंजेस रहे और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनकी जर्नी को खुद से रिलेट करके उनकी राह में आने वाली मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इसीलिए उदय, मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा आपका SSB का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले तो एक बार ये बताइए कि आपका SSB बोर्ड कौन सा था और कहाँ पे था, कैसे गए आप, कैसे ट्रैवल किया आपने। तो मेरा SSB बोर्ड था 2 AFSB मैसूर था, और जैसा कि मैं जम्मू से हूँ तो काफ़ी दूर था मेरे लिए। पहली बार लाइफ में इतनी दूर गए आप? हाँ जी, पहली बार मैं दिल्ली आया, पहली बार मैं गया, तो ओवरऑल एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत ही डिफरेंट वेरियस कल्चर्स एक्सपीरियंस करे, फिर चाहे वो खान पान में हो, रहने में हो, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैंने पूरा इन्जॉय करा है SSB को। ओके, ओवर टू यू प्रथमेश सर। सर वही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा इन्जॉय करा SSB को। SSB जो है ना, एक इन्जॉय करने का प्रोसेस है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है। SSB के अंदर आप कई ऐसे बच्चों से मिलते हैं, कई ऐसे कैंडिडेट से मिलते हैं जिस तरीके के कल्चर को आपने कभी पहले जाना नहीं था। इंडिया के हर कोने से वहाँ पर बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर उदय का एक्सपीरियंस भी वैसे ही रहा। उदय, मैं सबसे पहले जो स्क्रीन इन होने का जो सबसे डिफ़िकल्ट फेस होता है, जिसको ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, PPT के बारे में मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट ग्रुप डिस्कशन को लेकर सर कई बच्चे बहुत परेशान होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्क्रीन आउट होने के, बिकॉज कैंडिडेट का हेजिटेशन, उनकी घबराहट, उनकी नर्वसनेस, उनका एंगर, वो सारी की सारी चीज़ें पता लग जाती है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। सो हाउ यू फेस दैट, आपने कैसे फेस करा और आपको क्या लगा जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा था? ऑब्वियसली फिश मार्केट का सिचुएशन बनता ही है, तो हाउ यू फेस दैट सिचुएशन? सर मैंने तो यही मेरा एक यही आइडिया था कि कुछ भी हो जाए अपना आइडिया रखो और कॉन्फिडेंटली बोलना है, बीच में घबराना नहीं है, क्योंकि जो हमें असेस कर रहे हैं वो भी इंसान है और जो हमारे साथ बैठे हैं वो भी इंसान है, तो घबराना क्यों है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो, और जैसा आपने बोला फ़िश मार्केट, तो वो तो होता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स रहते हैं जो जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो हम बस यही कहूँगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करके जाते हैं बोलने का, अगर आप में इनिशिएट करने का थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप, तो स्क्रीन इन होना कोई बड़ी बात नहीं है और ग्रुप डिस्कशन में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। बिल्कुल, देखिए वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, हर बार इस बारे में मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब आपका टर्न आता है, आपको जब बोलना है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखना है, अपने पॉइंट्स को रखना है। अगर फिश मार्केट की बात की जाए तो असेसर से चाहते हैं कि फ़िश मार्केट बने, बिकॉज पता लग जाता है कि किस पर्सन के अंदर कौन सी कमी है, किस कैंडिडेट के अंदर एंगर ज़्यादा है, कौन हेजिटेट हो रहा है, और एक काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जब फिश मार्केट बन जाता है। तो यहाँ पर उदय ने बिल्कुल सही बात कही है कि कॉन्फिडेंट होकर अपने पॉइंट्स को बोलिए। एक टाइम आता है जब आवाज़ सबकी लो हो जाती है, जब आपका टाइम आ रहा है, कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात को बोलिए। लोग आपकी बात से एग्री हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट होता है, बट आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना है और सही तरीके से एक सिंगल पॉइंट में अपनी बात को रखना है। बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, वो भी एक बड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन छोड़ता है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उदय के द्वारा सभी को बताना चाहूँगा। उदय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कोई बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते, छोटी जगह है, अर्बन, बहुत बड़ा अर्बन सेंटर नहीं है। वहाँ के स्टूडेंट्स को हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करेंगे, क्या SSB के इंटरव्यू पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, आपने कैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया
और SSB के अंदर क्या आपने पूरा इंग्लिश में ही बोला या आपने मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज़ किया, इसके बारे में कुछ बताइए। इंग्लिश से आपका एनकाउंटर कैसा रहा, स्कूल फेज से लेके कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया SSB इंटरव्यू के लिए, और फिर SSB इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या हुआ? सो जैसा कि मैं बोलूँ सर, तो मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा नहीं है, और मेरी बात नहीं, ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग शुरू से दिक्कत तो था, लेकिन ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले तो नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करना शुरू करा, जब भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था तो कोई अगर वर्ड उसमें दिख जाए जिसका मीनिंग नहीं पता है तो उसका मीनिंग सर्च करो, उसको लिखो और उनको अपने सेंटेंसेस में लाओ ताकि वो आपकी वोकैबुलरी में शामिल हो जाए और आप उसके साथ यूज टू हो जाओ, और धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो नॉलेज है इंग्लिश पे वो बढ़ता जाएगा और आप इंग्लिश में बहुत ही जल्दी एस कर जाओगे। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको बस सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो इंग्लिश ज़्यादा कोई बिग इशू नहीं है। तो ये तो आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अब ये बताइए कि जब SSB में गए, जब वो इम्तिहान की घड़ी आई तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो इंग्लिश में ही हुआ, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पहले ही मुझे बोल दिया था, सबको बोलते हैं वो कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन अगर आप बीच में कहीं अटक जाते हैं तो आप हिंदी बोलिए और जितना जल्द हो सके इंग्लिश पे बैक आ जाइए। तो मैंने इंग्लिश में ही बोला, और बीच में अगर एक दो बार अटक जाओ तो हिंदी बोली मैंने, और हिंदी भी चल जाती है, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन आप प्रेफर कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो प्रेफरेबल लैंग्वेज है। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली, और ये बात हमने भी कई बार आपसे शेयर करी है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का सारा काम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसीलिए आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना ज़रूरी है। लेकिन SSB के अंदर वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, SSB में वो देख रहे हैं कि हाँ आप इंग्लिश जानते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते हैं तो आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि SSB में वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज को असेस नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है जैसे कि आप सोचते हो या आप ड्रीम करते हो, तो आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट रखो, अपनी थॉट प्रोसेस को परफेक्ट रखो, उस थॉट प्रोसेस को अगर आपने हिंदी में भी बोला वहाँ पे, जहाँ तक कोशिश हो आपकी अंग्रेज़ी बोलो, जहाँ पे नहीं बन पा रहा है वहाँ हिंदी का भी यूज़ कर सकते हो। थॉट प्रोसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, जो कि अगर आपकी अच्छी है तो, और अगर ऐसा है तो आपका रिकमेंडेशन होगा जैसे कि उदय ने भी किया था। ओवर टू यू प्रथमेश। बिल्कुल सर, थॉट प्रोसेस की आपने बात करी है, थॉट प्रोसेस सही होना बहुत ज़रूरी है। उदय के आंसर को मैं सुन रहा था, आपने उदय ने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर्स रीडिंग स्टार्ट करी, इंग्लिश को बोलना शुरू करा। उदय, काफ़ी लंबे टाइम तक आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा, इट टेक सम टाइम। यस सर, इट डेफिनेटली टेक टाइम। मैं ये कहूँगा कि जब मैं रिटर्न की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग पे मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था, और जब मैं रिटर्न का रिज़ल्ट आया तब तब रियलाइज़ हुआ कि अभी इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइजेशन हुआ तो मैंने तभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बोलता था इंग्लिश, और बहुत से ऑनलाइन भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जो एस्पिरेंट्स हैं और भी उनके साथ प्रैक्टिस करता था, जिससे भी काफ़ी हेल्प हुई। तो इंग्लिश स्पीकिंग मेरी वैसे ही एस हुई है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ से मैंने परफेक्ट करा है। देखिए, इस आंसर से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश हम बोल नहीं पा रहे। आप इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ या सर बोल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कितने दिन फॉलो करते हैं, आप उसको 4 दिन 5 दिन फॉलो करते हैं, बट यू आर नॉट कंसिस्टेंट। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप डिसिप्लिन इट्स ओके, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कंसिस्टेंस है तो इंग्लिश आप कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छे से इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। उधर साइकोलॉजिकल टेस्ट के पार्ट के ऊपर आते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं से सीख कर आ जाएंगे। PPRT आपने, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आपने देख लिया है, या आप TAT आपने देख लिया है, WAT के अंदर वर्ड्स को मगअप कर लिया है और आपने लिख लिया है, और आप SSB के अंदर साइक को क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की जाती है इन टेस्ट के द्वारा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछने से पहले ही ये चीज़ बता दूं कि यू हैव टू बी नेचुरल। आपके रिस्पॉन्सेज जितने नेचुरल रहेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उदय, सबसे पहले बात करते हैं TAT की, हाउ वॉज योर TAT? बिकॉज TAT के अंदर स्टूडेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं टाइमिंग का इशू।
बिकॉज आपको 12 स्टोरीज लिखनी हैं और 11 स्लाइड्स आ रही है, पिक्चर्स के साथ एक ब्लैंक स्लाइड आती है, आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? पहले हम टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। टाइमिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सर, मैं जब घर पर प्रैक्टिस करता था मैं टाइम के साथ ही प्रैक्टिस करता था और स्लोली स्लोली वो मैं यूज़ टू हो गया उसके, तो विद इन फिर जब मैं प्रैक्टिस करता था तो धीरे धीरे विद इन 3 मिनट्स एंड 30 टू 40 सेकेंड मैं स्टोरी कंप्लीट कर लेता था। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन टाइम विद टाइम आपका वो परफेक्ट हो जाएगा और आप उसको विद इन टाइम कर लेंगे। आपने TAT की प्रैक्टिस करना कब से शुरू कर दिया था? क्या शुरुआत से आप रोज़ 15-20 TATs लगाते थे, ऐसा कुछ था? जी नहीं सर, ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसे माइंड में बहुत ही ऐसे मगअप हो जाता है, तो मैंने ये डिसाइड करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पिक्चर्स डिस्कस करो एक दिन में या एक 2 दिन में, और अगर कोई पिक्चर नहीं बन रही है तो उसके ऊपर रुके रहो, उसको 2-3 दिन डिस्कस करो, उस पर थीम लाओ, और फिर जब लास्ट के 15-20 दिन बचे थे SSB के, तो तब मैंने रेगुलर हुआ, तब मैंने पूरे सेट्स लगाए, पूरे 12 पिक्चर्स के विद टाइम और कंटिन्यूस लगाए, TAT फिर SRT जो भी है, तो कंटिन्यूस लगाए ताकि एक फ़्लो बन जाए, ताकि एक ईज़ हो जाए लिखने में। बिल्कुल, देखिए यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको TAT की जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आप दिन भर TAT के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप दिन भर पिक्चर्स को लगा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, फिर आपका एक माइंड में मेकअप आ जाता है कि आप जब भी उस तरह के पिक्चर को देखते हैं तो आप सेम स्टोरी लिखेंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और जो प्री कंसीव्ड स्टोरी होती ना, ये एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, रिकमेंड नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्री कंसीव स्टोरी कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उदय ने भी इस बात का ध्यान रखा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं करा, बट हाँ लास्ट के टाइम पर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज टाइमिंग एक मेजर इशू रहता है TAT के अंदर। तो स्पेसिफिकली TAT के लिए मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मुक्तक सरोवटी, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ने वाला हूँ, इंटरव्यू। ये एक ऐसे प्रोसेस होती है जैसे कि SSB की जितनी भी दूसरी एक्सरसाइजेस होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उसमें आप होते हो और आप एक्शन करते हो, लेकिन ये इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो एक ऑफिसर के साथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नर्वस भी हो जाते हैं। वैसे तो इंटरव्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर के बेसिस पे होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी खास चीज़ हो जो आपको याद हो, जो यूनिक हुई हो। हाँ, जब शुरू में इंटरव्यू ने जब आइस ब्रेकर क्वेश्चंस कहते हैं ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, तो उस टाइम पे उन्होंने पूछा कि प्रेपरेशन कहाँ से करी थी, तो मैंने बताया कि मैं फिज़िक्स वाला से करी थी, तो उन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंगली मुझे रिस्पांस करा कि डिफेंस वाला से करी थी, शौर्य के स्टूडेंट हो, मगर यस तो बहुत ही प्राउड क्या बात थी मेरे लिए। तो इंटरव्यू में बस यही है कि नेचुरल रहना है और पहले से प्री कंसीव्ड आंसर्स नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाएगी। वैसे ये तो हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि इंटरव्यू पैनल के ऑफिसर ने जो है वो ये बोला, उन्होंने आइडेंटिफाई किया डिफेंस वाला चैनल को या शौर्य बैच को। इसका एक मतलब निकलता है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं शौर्य के वहाँ पे गए होंगे, और ये सवाल जब स्टूडेंट से उन्होंने किया होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया होगा कि उन्होंने शौर्य बैच ली है, तो ये वाकई में हमारे लिए भी बहुत बहुत प्राउड की बात थी। खैर, इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस अदरवाइज कैसा रहा? क्या ऐसे क्वेश्चंस आए जिनके आप आंसर्स नहीं दे पाए, या सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दे दिए? किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो ज़्यादातर जो आप PIQ फॉर्म देते हो तो पूरा इंटरव्यू 90% PIQ फॉर्म पे बेस्ड होता है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपने इंटरव्यू को और थोड़े से कुछ इंस्टेंसेस बताइए सभी। हाँ, तो सबसे पहले तो वही सबसे जो 10-15 क्वेश्चंस वो शुरू में करते हैं रैपिड फायर, तो वो करे उन्होंने, तो मैंने आंसर करा तो मैं क्वेश्चंस भूल गया, तो मैंने सर को बोला कि सर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चंस, तो उन्होंने बोला नहीं ट्राई एंड रिकॉल, तो मैंने बोला नहीं सर नहीं हो रहा है, तो आप रिपीट कर दीजिए, तो उन्होंने रिपीट करे और फिर मैंने आंसर करा, और कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैं आंसर नहीं दे पाया, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उस पर बहुत फोकस करा, जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरे पापा के रिलेटेड CRPF के, तो मुझे उसका आंसर नहीं पता था, तो उन्होंने नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन उसी टॉपिक पे पूछे, वो शायद देख रहे थे कि मैं घबराता हूँ या नहीं, तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि मुझे नहीं पता सर, बट आई लेट यू नो अबाउट इट लेटर। तो बस यही 3-4 क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैं नहीं दे पाया, बाकी कॉन्फिडेंट रहा मैं, और बिल्कुल कामनेस के साथ आंसर करो, और नेचुरल अगर आप हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यू में। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, नेचुरैलिटी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आंसर्स इन्होंने दिए आप उससे पूरी तरह से इंस्पायर हो जाओ या उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है,
बींग नेचुरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक पॉजिटिव अप्रोच रखना कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में पता करने की। यानी कि ठीक है, एक इंसान को सब कुछ पता नहीं हो सकता, हम कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होते, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमको नहीं पता होती। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो हमको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एडमिट करो कि नहीं आता है, और ये भी तय करो, ये भी प्रतिज्ञा करो कि मैं आगे उसको पता करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डोंट ब्लफ, ब्लफ नहीं करना आपको कि मुझे पता है या लगता है मुझे कि ऐसा होगा। आपको अगर कोई चीज़ पता है तो ही आप उसका जवाब दीजिए, नहीं पता है तो आप साफ नो बोल सकते हैं। चलिए उदय, मैं एक बहुत डिफिकल्ट टास्क के ऊपर आता हूँ, आपका GTO कैसा रहा, हाउ वाज दैट? बिकॉज GTO के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं, हालांकि वो सिचुएशन काफ़ी कम स्टूडेंट्स के साथ आती है, बट जिस जो भी स्टूडेंट उसको फेस करता है उसके लिए GTO निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो सिचुएशन ये होती है कि जब पूरा ग्रुप आपके अगेंस्ट हो, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आप कमांड देना चाहते हैं बट आपकी कमांड को कोई सुन नहीं रहा है। मैंने जब उदय से बात करी तो उदय ने मुझे बताया था कि सर आई हैव सेम एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ, मेरा ग्रुप मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। उदय, क्या आपका उस टाइम पे क्या अप्रोच था? बिकॉज मुझे पता है कि जब ऐसा होता है आपके साथ SSB के अंदर तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, हर आदमी प्रेशर फील करता है उस सिचुएशन के अंदर, बट ज़रूरी ये होता है कि आप अपने उस प्रेशर को कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस, तो आपने उस समय पर क्या किया होगा? सर उस समय तो माइंड में जैसा आपने बोला कि डीमोटिवेट तो होता है आदमी, लेकिन उस टाइम पे यही था कि अभी जो हो रहा है तो उसको होने तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बस ये करूँगा कि अपना बेस्ट दूंगा, हाँ, और अपने आइडियाज़ देते रहो, क्योंकि अगर आपका ग्रुप आपकी नहीं सुन रहा है लेकिन जो असेसर हैं वो तो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं डेफिनेटली, तो बिल्कुल भी बाद में मैंने प्रेशर नहीं लिया, जो हो गया हो गया और नेक्स्ट टास्क जो था उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि एक टास्क आपकी रिकमेंडेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने SSB पहले दिया होगा, आपके साथ एक टास्क में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप गलती क्या करते हैं कि सारा का सारा प्रेशर उन आगे वाले टास्क के ऊपर ले लेते हैं और आप नेचुरली परफॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ पर उदय के साथ भी सेम हुआ था कि ग्रुप टास्क के अंदर ग्रुप बात नहीं मान रहा था, उनकी कमांड्स को सुन नहीं रहा था, बट उदय अपने एफर्ट्स देते गए, और मुझे ये लगता है पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि ये चीज़ उनके लिए बड़ी पॉजिटिव रही। क्यों पॉजिटिव रही? बिकॉज असेसर ने नोटिस किया कि इतना प्रेशर होने के बाद भी पर्सन जो है वो गिव अप नहीं कर रहा है, ही इज़ रियली कॉन्फिडेंट, वो अपने आइडियाज देता जा रहा है, बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन जिसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नहीं है इस सिचुएशन में वो टूट जाएगा। आप कुछ सोचकर देखिए कि 10 लोग आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप टूट जाएंगे। बट एक ऑफिसर की क्वालिटी यही रहती है कि उसके हिसाब से अगर उसे लगता है रीजनेबली वो सोच रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो चाहे कितने भी लोग उसके नेगेटिव हो वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, वो डिटर्मिनेशन हमेशा होना चाहिए, और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं GTO के अंदर यहाँ पर दिख गई है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि आपके साथ भी अगर ऐसा होता है SSB के अंदर कि कोई एक टास्क में आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं करते उसका प्रेशर आगे के टास्क में नहीं लेना है। मुक्तक सर क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये, मैं इसी पॉइंट पे ये कहना चाहता हूँ, मुझे उदय की ये बात बहुत अच्छी लगी जब उदय ने कहा कि चाहे ग्रुप में लोग मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं लेकिन SSR तो मुझे देख रहे हैं। ये अप्रोच, ये मैं कहता हूँ कि यही चीज़ गेम चेंजर होती है। जब आपने ये अप्रोच धारण कर ली कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं मेरे रास्ते पर टिका हुआ हूँ, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन ये दिखाता है एक इंसान का लाइफ के प्रति अप्रोच क्या है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है SSB के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, ये एक्टिविटीज़ छोटी छोटी एक्चुअली आपका लाइफ के प्रति क्या अप्रोच है वो दिखाती, और इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग कर लेते हैं या फिर अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं या फेक दिखाने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाते रेकमेंड, क्योंकि लाइफ के प्रति उनका अप्रोच तो नेगेटिव है लेकिन वो वहाँ पे एक फेक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, वो अप्रोच डेवलप कर लो, और जब वो अप्रोच डेवलप हो जाएगा ना आपके पर्सनालिटी के अंदर तो आप अपने आप नेचुरली वहाँ पर सब कुछ सही करोगे या जो भी करोगे उसकी वजह से आपको रिकमेंडेशन हासिल हो जाएगा। वेरी गुड उदय, ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी मुझे। उदय अब मैं जानना चाहूँगा लेक्चरेट, जो अगेन एक बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है क्योंकि एक तो इंग्लिश ऊपर से दबाव, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर लेक्चरेट इज समथिंग जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि काउंटलेस नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, आप कितने प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने बस ये स्ट्रेटजी रखी थी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने नॉलेज को बढ़ाओ, डेली कुछ नया पढ़ो और उसके ऊपर लेक्चरेट देने का ट्राई करो।
और अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करो, देखो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर वर्क करो। एक यहाँ पे रोकूंगा मैं आपको, ये देखिए कितना अच्छा यूज़ टेक्नोलॉजी का हो सकता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो है यंगस्टर्स यूज़ करते हैं, ये वेस्ट होता है टाइम का इससे। लेकिन कोई भी इक्विपमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, आप उसको कैसे यूज़ करते हो ये उसको अच्छा या बुरा बनाता है। उदय ने अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके रिकॉर्डिंग्स करी, अपने आप को एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बाद उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया। हम पहले भी ये चीज़ बोल चुके आपको कि जब आप स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करते हो तो आप रिकॉर्डर में खुद को सुनो, आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और आप उसको दुरुस्त कर सकते हो। अपने जज खुद ही बन जाओ, अपने टीचर खुद ही बन सकते हो आप। लेकिन हाँ, अब मैं आगे बढ़ाऊँगा आपको जहाँ से आपको रोका था मैंने। तो जब मैंने लेक्चरेट का तैयारी करा तो कैमरा में रिकॉर्ड करता था और स्लोली स्लोली मेरा जो इम्प्रूवमेंट वो मुझे दिखना शुरू हो गया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप विद इन अ वीक आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। आपको अपनी इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा, अपने नॉलेज पे भी फोकस करना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट आप बोलते कैसे हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और लेक्चरेट की अगर मैं स्ट्रेटजी बोलूँ तो उसमें जो चार टॉपिक रहते हैं, तीन टॉपिक तो आपके वही जो मेजर टॉपिक होते हैं, फोर टॉपिक इसलिए होता है ताकि अगर किसी कैंडिडेट को ऊपर वाले टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो वो उसके ऊपर बोल पाए। और मेरे केस में भी यही हुआ था। तो फर्स्ट थ्री टॉपिक्स के ऊपर मुझे नॉलेज नहीं था तो फोर्थ वाला टॉपिक कॉमन था तो मैंने उसके ऊपर बोला। कौन से टॉपिक पे बोला था? मैंने बोला था ट्रैकिंग के ऊपर। ओके तो जो GTO ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बोला कि कैंडिडेट व्हाट इज़ दिस टॉपिक, चूज समथिंग एल्स। तो वो ऐसे प्रेशराइज़ कर रहे थे कि कोई और टॉपिक चूज़ करो। तो मैंने बोला नो सर, आई डोंट हैव आइडिया, सो आई टॉक ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रहा है आप, क्योंकि पहाड़ी इलाके से आते हैं तो यस सर। क्या एक्सपीरियंस रहा है ट्रैकिंग का, कैसे जाते थे आप ट्रैकिंग के लिए? ट्रैकिंग के लिए सर तो जब मेला वगैरह होता है तो जब पास के गाँव में मेले होते हैं तो हम पहाड़ क्रॉस करके जाते हैं। तो जो खेत हैं वो भी पहाड़ों में है तो ट्रैकिंग का तो बचपन से ही है। तो ट्रैकिंग मेरे भी दिल के बड़ा करीब है और मैंने भी खूब ट्रैकिंग किया है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कर सकता हूँ कि मेला लगा है, एक सीधा रास्ता है जाने का लेकिन वहाँ से नहीं जाएंगे, पहाड़ों को चढ़ के वहाँ से उतर के जंगलों में से होके जाएंगे। वंडरफुल, तो उसी के बारे में आपने वहाँ पे शेयर किया। तो मैंने वही पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बेनिफिट्स बताए और फिर ये बताया कि ये कैसे यूजफुल है हमारे इंडिया के लिए और फिर थोड़ा कंक्लूड कर दिया, थोड़े इम्प्रूवमेंट का स्कोप बताया। और बस यही, अगर आपको डिवाइड करना अच्छे से आ गया टॉपिक को, अगर आपके माइंड में ये डेवलप हो गया और जो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है तो आपको लेक्चरेट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी। बिल्कुल सही। यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स इन्होंने बताया कि आपने जब तैयारी करी, मोबाइल फ़ोन से अपने आप को रिकॉर्ड किया और अपनी इंग्लिश के ऊपर भी वर्क किया। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट आया था दिमाग में जब ये बोल रहे थे, यू ओनली गेट वॉट यू डिज़र्व। आप अपने आप को डिज़र्विंग बना लो, आपको जो चाहिए आपको हासिल हो जाएगा। मतलब हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमें वो नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें वो मिल क्यों नहीं रहा है। अगर हम अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दें और उसको दुरुस्त करें तो हम डिज़र्विंग हो जाएंगे और फिर हमको जो भी हासिल करना है लक्ष्य वो हम हासिल कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो ट्रैकिंग की बात इन्होंने करी थी, इंसान को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सोशलाइजेशन के ऊपर मैं बहुत एम्फसाइज़ करता हूँ, एक मीनिंगफुल सोशलाइजेशन के ऊपर। अब ये गांव में दोस्तों के साथ मेले में जाना, पहाड़ चढ़ के उतर के जाना, ये एक्शन जब ये कर रहे होंगे तब इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने इम्पॉर्टेंट, इतने क्रूशल टाइम पे इनको एक मौका मिल जाएगा जिससे उस किए हुए एक्शन से चीज़ें लर्न करके वो वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मीनिंगफुल सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी प्रोसेस में वो एक्सपीरियंस आप गैदर करते हो जो ऐसी सिचुएशंस में काम आता है। वंडरफुल, ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को कि कमरे के अंदर बंद रह के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम की रियल प्रिपरेशन होती है ना वो बाहर भी होती है। इस SSB के अंदर जब आप सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो जब तक आप बाहर लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप सोशल नहीं होंगे तो आप कैसे वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि SSB बहुत अलग चीज़ होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। कई कैंडिडेट्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ रिटर्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सिर्फ हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो हम रिकमेंड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दूसरी, उदय से बात करके मुझे सर दो से तीन चीज़ें फील हुई उनकी जो पूरी जर्नी मैंने सुनी। उस जर्नी में मैंने ये देखा कि ही नेवर गिव अप। शुरुआत से इन्होंने गिव अप नहीं किया। कटवा से आते हैं, उसके बाद भी इंग्लिश वीक है, माहौल नहीं है कि इंग्लिश बहुत बच्चे बोलें, ऐसा कुछ है, स्टिल ही वर्क्ड। ये काम करते हैं अपनी इंग्लिश के ऊपर।
एक इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग डिस्कशन करते थे, मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करता था, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आके आपके लिए इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, वो इनिशिएटिव आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको लाइफ में कहीं पहुँचना है तो पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उदय की एक मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी देखी, इज़ रियली कॉन्फिडेंट। ये बहुत अच्छी तरीके से उस किसी भी प्रेशर की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे एक सिचुएशन इन्होंने बताई थी GTO के अंदर कि वहाँ पर भी प्रेशर आया था, बट ऑब्जर्व कर लिया उस चीज़ को, कंट्रोल करके अपने आप को कंट्रोल करा और एक सही आंसर दिया। दूसरा, जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे, फादर CRPF के अंदर है, CRPF के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो कॉन्फिडेंट के साथ इन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता है वो चीज़। तीसरी, जब लेक्चरेट के अंदर भी जब बोला गया इनसे कि नहीं आप ये टॉपिक क्यों चूज़ कर रहे हो, आपको तो कोई और टॉपिक चूज़ करना चाहिए, बट स्टिल वो अपनी बात पर कॉन्फिडेंट रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर के सिचुएशन में जो व्यक्ति अपने डिसीजन पे अडिग रहता है वही हमेशा आगे बढ़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और SSB में भी ये चीज़ बड़ी काम आती है। मुख्तसर, आई होप सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल सही, आपने जो बात करी अपन भी जितना इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्कुल, तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि स्थिर बहुत है, बहुत स्थिर है ये, हमेशा स्टेबल माइंड के साथ में रहते हैं। कोई सी भी सिचुएशन होती है, हम काफ़ी देर से इनके साथ हैं तो हमने ये चीज़ नोटिस करी, कोई सी भी सिचुएशन है ये स्थिरता बहुत रख पाई है। हर किसी का अपना एक खास गुण होता है, इनका ये गुण है कि स्थिरता बहुत रखते हैं। आपका भी जो भी पॉजिटिव गुण है आप उसको आइडेंटिफाई करो, स्पॉट करो और उसके ऊपर उसको और बेहतर बनाओ। जी बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं कि अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चंस के बारे में बात करी। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब वो रिवॉर्ड वाला पॉइंट आया, यानी कि जब रेकमेंडेशन हुआ, आपका चेस्ट नंबर बोला गया, तब कैसा फील हुआ? घर पे कैसे आपने बताया? घर पे जब आपने बताया तो घर वालों ने क्या रिस्पॉन्स किया? जब कॉन्फ्रेंस था हमारा तो अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली को विश्वास था कि आप रेकमेंड हो जाओगे, या उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लो, लगता तो नहीं कि तुम रेकमेंड होगे, क्या घर पे क्या थॉट प्रोसेस? मेरी फैमिली को तो मेरे पे पूरा फेथ था। अगर मैं अपने फादर की या मदर की बात करूँ तो उन्हें पूरा विश्वास था मेरे पे। तो जब भी मैं तैयारी करता था ऊपर रूम में सेपरेट बैठ के, तो वो खुश काफ़ी खुश होते थे कि मेहनत कर रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस था। और जब मैंने उनको बताया कि हाँ हो गया, तो वो काफ़ी खुश थे और अभी भी वो बहुत खुश हैं। और जब चेस्ट नंबर आपका बोला गया था वहाँ पे, तो आपका क्या रिस्पांस था? क्या आप खुशी में उछल पड़े या वहाँ पे भी आप स्थिर ही रहे थे? नहीं, तब उछल नहीं सकते क्योंकि माहौल कुछ ऐसा होता है। तो जब हमें बुलाया, चेस्ट नंबर अनाउंस हुए तो हम आगे गए, तो उसके बाद जब हमें बाहर ले जाया गया तब उछले हम पहले नहीं उछले। तो हाँ, उस टाइम पर कंट्रोल करा। तो जब हम अनाउंस हुए तो बाहर गए, तो उस दिन फॉर्म बहुत भरवाए, फिर एक्साइटमेंट में हमने भर दिए तो बस यही एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया रिकमेंडेशन में भी। फिर जो भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी वो रिलीव हो गई कि हाँ अब हो गया है। वंडरफुल, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस तो है ही, लेकिन इसी के साथ अब उदय के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती। वो जो कहते हैं ना कंधे पर सितारे, वो सितारे बहुत भारी भी होते हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उदय, अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी जो कई वीर लोगों के हाथ में, उनमें से एक आप भी बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेट भी मैं आपको करना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि ऑलवेज बी टफ, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए और अपने आप को और बेहतर बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच उदय हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू उदय, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उदय कठुआ से आते हैं, फादर CRPF के अंदर है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप किसी भी एरिया से हो, आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे पता है जब आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी सेल्फ डाउट आ रहा है कि क्या मेरा हो पाएगा, बिकॉज मैं तो यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं तो यहाँ से बिलोंग करता हूँ। अपने आप पर भरोसा रखना है। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा सिखाई है कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है ना, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, बस एक वो कदम आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है? और दूसरी बात याद रखना, जैसे उदय ने अपने माता पिता को प्राउड फील करवाया, आपको भी फील करवाना है, देश को भी प्राउड फील करवाना है, और उदय एज ए एग्जाम्पल आपके सामने। उदय, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं आशा करता हूँ कि आप NDA के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज वहाँ से अभी आपकी जर्नी शुरू हो रही है, ये तो जर्नी अभी आपकी स्टार्ट हुई है, आपको काफ़ी आगे जाना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, उदय अभी बहुत छोटे, इनकी उम्र सिर्फ 17 ईयर्स है और अभी ये NDA ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन ये एयर चीफ मार्शल बन जाए, और अगर वो दिन आता है तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। जितनी खुशी आपको होगी उससे ज़्यादा खुशी हमें होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये इंटरव्यू इस बात का रिकॉर्ड रहेगा कि एयर चीफ मार्शल के साथ में हमने इंटरव्यू भी किया। बिल्कुल, आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अगर उदय चाहे तो उस चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं, बस आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ओके उदय,
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, जय हिंद, जय हिंद।